दोस्तों, हमारी बॉडी को स्वस्थ, जवान और फिट रखने के लिए और जरूरी रख रखाव के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हमारी बॉडी का हर एक सेल का मूल आधार होता है। दोस्तों, ये हमारे मसल्स को बनाता है, स्किन को टाइट रखता है और बालों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, चाहे बचपन हो या बुढ़ापे का समय हो, प्रोटीन की जरूरत हर उम्र के लोगों को पड़ती है। दोस्तों, ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। दोस्तों, लेकिन इतना ज़रूरी होने के बावजूद भी 80% से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ख़ासतौर से ऐसे लोग जो कि प्योर वेजिटेरियन हैं, उनमें तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों, अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो तो इससे बॉडी में फैट बढ़ने लग जाता है, मसल लॉस होने लग जाता है, स्किन और बाल बेजान दिखने लग जाता है, कमजोरी आने लग जाती है और अपनी उम्र से पहले ही हम बूढ़े दिखाई लगने लगते हैं। दोस्तों, एक एवरेज एडल्ट को रोज़ाना अपनी डाइट के अंदर 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ाना इतना प्रोटीन खा पाते हैं? प्रोटीन दोस्तों सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ही नहीं होता है, हम में से हर किसी के लिए हर रोज़ प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी बॉडी को हील करता है और आपको हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप बच्चे, बूढ़े या जवान सभी लोग अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाई प्रोटीन से भरपूर इन सभी फूड सोर्सेज के बारे में पूरे विस्तार से। तो सबसे पहला प्रोटीन रिच फूड है वो है ये एग, यानी कि अंडा। दोस्तों, अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जो कि इसके अंदर सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती है और एक्सटर्नली ही ये हमें लेने पड़ते हैं। एक अंडे में करीब करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है जिसको उबाल कर खाना बेस्ट होता है। रोजाना आप 2 से 4 अंडे तक आराम से खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं। दूसरा प्रोटीन रिच फूड है वो है बादाम। दोस्तों, बादाम में प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन ई और फाइबर भी बहुत सारा होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये काउंट्स मतलब कि करीब करीब 20 से 25 बादाम में आपको रफली 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है जो कि लगभग लगभग एक अंडे के ही बराबर होता है। ये अंडे के मुकाबले में कम तो है, लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो ऐसे केस में यह आपकी डाइट में प्रोटीन को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, बादाम को आप हमेशा रात को पानी में भिगोकर सुबह इसको छिलका उतार कर ही खाया करें, क्योंकि इसके छिलके के अंदर कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फैटिक एसिड इसके अंदर होता है जो कि इसके सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उन्हें रोक लेता है। और इसीलिए अगर पानी में भिगोकर आप इसको खाते हैं, छिलका उतार कर खाते हैं, तो ये फैटिक एसिड निकल जाता है और आपको बादाम खाने का पूरा फायदा मिलता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों पनीर, यानी कि कॉटेज चीज़। पनीर न सिर्फ प्रोटीन रिच फूड है दोस्तों, बल्कि इसमें कैल्शियम भी होता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बेहद अच्छी चीज़ होती है। हर 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर को आप कच्चा खा सकते हैं, इसके ऊपर काली मिर्च वगैरह छिड़क करके सलाद के तौर पे इसको आप ग्रेवी बना के खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको रोस्ट करके टिक्का वगैरह बना करके खा सकते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में मिलता है। दोस्तों, इसे दूध से बनाया जाता है, दूध के अंदर नेचुरली वे प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन सभी उम्र के लोगों, मर्द और औरतों के लिए सुटेबल होता है। वे प्रोटीन को लेकर एक आम धारणा है दोस्तों कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि बॉडी बनाते हैं, मसल बिल्ड करते हैं या जो एथलीट्स होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है।
वे प्रोटीन हम सभी के लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि एथलीट्स के लिए है या जिम करने वाले लोगों के लिए होता है। बट सवाल यह आता है कि जब नेचुरल फूड से हमें प्रोटीन मिल सकता है तो हम भला वे प्रोटीन सप्लीमेंट हम क्यों लें? तो देखिए, नेचुरल फूड्स सोर्सेस में अक्सर हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज बहुत सारी होती हैं, जो कि ऐसे लोगों के लिए जो कि वजन को घटाना चाहते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनके लिए कई बार सूटेबल नहीं होता है। दोस्तों, वे प्रोटीन में लो फैट होता है, लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लो कैलोरीज होती हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प होता है दोस्तों जो कि वजन को घटाना चाहते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर जो लोग लो कैलोरी डाइट को फॉलो करते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमेशा मिसिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, दाल को बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है लेकिन इसके अंदर मेथियोनिन और सिस्टीन, ये दो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होता है दोस्तों। वही एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, यानी सबसे बढ़िया ये प्रोटीन होते हैं क्योंकि इनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं होता है या उनको नहीं ले सकते हैं, और ऐसे में नेक्स्ट बेस्ट प्रोटीन आपके लिए जो है वो है वे प्रोटीन दोस्तों, जो कि वेजिटेरियंस के लिए भी सूटेबल है और बहुत ही बढ़िया भी होता है। अब एक और बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, वो ये कि यार वे प्रोटीन तो ठीक है दूध से ही बनता है, तो हम फिर ये प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लें? हम तो सीधा दूध पी लेंगे, खाली दूध से ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूध के अंदर वे प्रोटीन के साथ साथ लैक्टोज, कोलेस्ट्रॉल और कैसीन भी होता है जो कि कुछ लोगों को सूट नहीं करता है दोस्तों। वही वे प्रोटीन मिल्क से तो बनता है लेकिन दूध का सारा फैट, लैक्टोज और कैसीन इसमें से हटा लिया जाता है दोस्तों, जिससे कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और दूध पीने से किसी किसी को जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी खत्म हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है वे प्रोटीन बहुत बढ़िया है, हमने मान तो लिया, लेकिन यार ले तो ले कौन सा? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक अच्छा वे प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आप ड्रेक्स ओट का ये वाइल्ड वे प्रोटीन इस्तेमाल करें। ड्रेक्स ओट वाइल्ड वे प्रोटीन दुनिया का अकेला पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो कि जेन्युइन लैब रिपोर्ट्स के साथ आता है। जब आप इसका कोई भी पैकेट खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक लैब रिपोर्ट भी मिलता है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। इस लैब रिपोर्ट के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से हैवी मेटल्स हैं या नहीं हैं, इनकी कितना प्योर है और कितना ऑथेंटिक है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, एडेड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर या फिर आर्टिफिशियल कलर नहीं है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिलीशियस है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी है और टेक्स्चर भी बेहद शानदार है। पांचवा प्रोटीन रिच फूड है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। दोस्तों, पंपकिन सीड्स प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट्स से भी भरपूर होता है। ये काउंट्स यानी कि करीब 28 ग्राम पंपकिन सीड्स में लगभग आपको 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। दोस्तों, पंपकिन सीड्स को आप रोस्ट करके एज ए क्रंच एंजॉय कर सकते हैं, आप इन सीड्स को सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं या फिर आप इसको पानी में भिगो कर भी खा सकते हैं। छठा नंबर पे है दालों का दोस्तों। दाल यानी कि लेंटल एक शानदार प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जो कि वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, लगभग लगभग सभी लोग खाते हैं और सभी के लिए ये जरूरी होता है दोस्तों। दालें कई तरह की होती है दोस्तों और हर एक टाइप की दाल अपनी अपनी यूनिक क्वालिटीज रखती है। मसलन मसूर की दाल आयरन में रिच होती है, मूंग की दाल इजीली डाइजेस्टिबल होती है। एक कप पकी हुई दाल से आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है दोस्तों, जो कि आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट का एक काफी बड़ा हिस्सा हो सकता है दोस्तों। अगर आप एक बजट फ्रेंडली, कॉमन और न्यूट्रिशियस और डिलीशियस प्रोटीन सोर्स की तलाश कर रहे हैं जो कि आप इजीली रोजाना खा सकें, तो दाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सोर्स है। लेकिन याद रखिए, दाल के अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वेजिटेरियन है तो दाल आपके लिए काफी अच्छी च्वाइस है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। सेवेंथ फूड आइटम है चिकन। दोस्तों, चिकन प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जो कि आपकी मसल्स को बिल्ड करने और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है दोस्तों। चिकन में फैट कम होता है
और प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो कि इसे वेट मैनेजमेंट और मसल बिल्डिंग दोनों ही चीज़ों के लिए एक आइडियल चॉइस बनाया जाता है। चिकन दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है फार्म वाला चिकन जो कि आमतौर पर हमें मार्केट में मिलता है, और एक देसी चिकन होता है दोस्तों जो कि गांव देहात में लोग घर पे पालते हैं। फार्म चिकन आमतौर पे वाइट होता है और घर वाला जो देसी चिकन होता है वो यूजुअली कलरफुल होता है। फार्म चिकन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है और इसको खाने के लिए सिर्फ दाना ही दिए जाते हैं। वहीं घर पर पला हुआ जो देसी चिकन होता है ये एक कीड़े मकोड़े भी खाता है और दूसरे नेचुरल फूड्स और घर की सब्जियां वगैरह भी को भी खा लेता है और फ्रीले इधर उधर मूव भी करते रहता है, भागते दौड़ते रहता है। इसीलिए इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट फार्म चिकन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी होता है। क्वालिटी में तो होता ही है लेकिन क्वांटिटी में भी ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स, हॉर्मोन्स और केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते हैं जो कि आमतौर पर फार्म चिकन के अंदर मिलते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो देसी चिकन को खाया कीजिए, लेकिन अगर देसी चिकन नहीं मिल पा रहा है तो आप फार्म चिकन को भी खा सकते हैं। एक एवरेज चिकन ब्रेस्ट में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है दोस्तों, और आपकी डेली रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर देता है। दोस्तों आठवें नंबर पे आता है मूंगफली यानी कि पीनट्स का। दोस्तों पीनट्स एक फैंटास्टिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं दोस्तों। एक आउंस पीनट्स यानी कि लगभग 28 ग्राम पीनट्स के अंदर लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली और न्यूट्रिशियस प्रोटीन सोर्स को ढूंढ रहे हैं तो पीनट भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसको आप खा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों मछली यानी कि फिश। फिश न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होती है बल्कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होती है जो कि आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है दोस्तों। एक एवरेज सर्विंग ऑफ फिश में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार फिश को खाने से आप अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों हमारे लिस्ट में आता है वो है सोयाबीन। एक कप सोयाबीन में लगभग 29 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों, जो कि इसे वन ऑफ द रिचेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस बनाता है दोस्तों। सोयाबीन को आप ग्रेवी के साथ बढ़िया बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप पुलाव में डालकर इसको खा सकते हैं, या फिर इसकी स्नैक्स भी मार्केट में मिलते हैं वो भी आप खा सकते हैं। ये एक टेस्टी फूड है जिसका टेक्सचर कुछ कुछ मीट जैसा, नॉनवेज जैसा होता है दोस्तों। तो ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन रहते हुए भी नॉनवेज का मजा लेना चाहते हैं उनके लिए एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है सोयाबीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा सभी के साथ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके स्वस्थ हमेशा। थैंक यू।